मेरा नाम पी एस सिंहदेव है। आप सभी का स्वागत है मीडिया के सभी साथियों का। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष आदरणीय सोनिया गांधी जी ने त्रिपुरा के ऑटोनॉमस डेवलपमेंट काउंसिल के चुनाव के लिए ऑब्जर्वर नियुक्त करके मुझे यहाँ भेजा है। मैं छत्तीसगढ़ में बलथान में अंबिकापुर विधानसभा से आया हूँ और कांग्रेस की गवर्नमेंट में स्वास्थ्य शिक्षा पंचायत एवं ग्रामीण विकास 20 सूत्री कार्यक्रम और GST के मंत्री के रूप में जिम्मेदारी संभाल रहा हूँ। कोई प्रश्न आपको करना चाहिए, कोई बात आपको पूछना चाहिए? मूल कारण चुनाव में हर पार्टी का हाईकमांड अपनी ओर से प्रतिनिधि भेजते हैं काम देखने के लिए कि पार्टी के फंक्शनिंग स्मूथ हो रहा है कि नहीं, कोऑर्डिनेशन है कि नहीं, क्या दिक्कतें हो रही है, टिकट डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह में सब ने मिल के निर्णय लिया है जितना संभव होता है राजनीति में, अच्छे वातावरण में काम हो रहा है कि नहीं, उसको देखने के ऑब्जर्वर पर्यवेक्षक के रूप में मेरे को भेजा गया। ये सबके सामने है कि तीन जो इलेक्शन 2005 से हुए हैं उसमें कांग्रेस पार्टी के एक भी प्रतिनिधि नहीं जीता। कांग्रेस पार्टी के ही प्रतिनिधि 100% जीतते रहे हैं और या उनका जो गठबंधन है ये 100% करीब करीब प्रतिनिधित्व होते ही रहा है। तो कांग्रेस को जीरो से ही चालू करना है, जीरो प्रतिनिधि से चालू करना है। हमारा वोट शेयर रहा है, कई सीट्स में हम सेकेंड पोजिशन पे रहे हैं लेकिन उस संघर्ष को सेकेंड पोजिशन से फर्स्ट पे लाना, और हम ये नहीं कहेंगे कि 28 की 28 हम जीतेंगे, जहाँ हम थर्ड हैं हम सेकेंड पे हैं, जो हमने पिछले बार किया उससे हम बेहतर स्थिति में इस टारगेट को लेके हम लोग भागे। कांग्रेस से लड़ाई कैसे रहेगा, मतलब आप लोग कैंडिडेट देंगे सभी सीटों पर या कुछ लोकल पॉलिटिकल पार्टी के साथ अलायंस की भी सोच रहा है? मेरी जानकारी पर अभी बात चल रही है, कांग्रेस अपने से लड़ने के लिए भी तैयार है क्योंकि अभी कोई फिक्स नहीं हुआ है। कोई ग्रुप अभी गवर्नमेंट का हिस्सा है, कोई ग्रुप गवर्नमेंट के बाहर है, कई लोग कांग्रेस के थे वो दूसरी जगह जाके अभी हैं, गवर्नमेंट में भी जो लोग गए हैं वो पहले कांग्रेस में थे, अलग ग्रुप बने हैं जो इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं वो भी कांग्रेस में थे। तो कांग्रेस की ये टहनियाँ हैं, टगालें हैं जो अलग अलग जाके अभी हैं। क्या हम एक साथ आ सकते हैं, इस बात पर जरूर विचार को खुला रखेंगे लेकिन केवल उस पर निर्भर होकर कांग्रेस चुनाव की तैयारी नहीं कर रही है। 2800 सीट में अगर ऐसी परिस्थिति आई तो चुनाव लड़ने के लिए भी हम लोगों ने रणनीति बनाई। कोई रीजनल पार्टी को कांग्रेस की तरफ से कोई मौका मिल रहा है? आदान प्रदान होता रहता है, शादी ब्याह में जैसे बातें होती हैं ये भी एक ऐसा आयोजन है जिसमें दो परिवारों को साथ आना है। आज तो दो परिवार हो गए, उन परिवारों को आने के लिए बातचीत होती है, इसमें कोई दो बात नहीं, आप सबके सामने बात हो रही है, सबको जानकारी है कि बातें चल रही है, सीट शेयरिंग की बात होती है कौन कितने में लड़ेगी क्या, अगर ये बातें बैठ जाएं तो गठबंधन हो जाता है, शादी के लिए दूल्हा दुल्हन बैठ जाते हैं, बातें नहीं बनती हैं तो कांग्रेस सरकार ने केंद्र में ADC को बनाने के लिए अमेंडमेंट किया था कॉन्स्टिट्यूशन, हालांकि 1980s के बाद कभी भी कांग्रेस
एडीसी में सरकार नहीं बना सकी, काउंसिल नहीं बना सकी, इस बार क्या मुद्दा रहेगा आपके इलेक्शन? जो इश्यूज हैं यहाँ, 25 साल से मेरे ख्याल से लेफ्ट फ्रंट की गवर्नमेंट थी और उनके दरमियान ही एडीसी पहली बार कंस्टिट्यूट हुआ था। इंदिरा जी के समय इसके लिए बात आगे बढ़ी थी, स्टेटस मिला था, शेड्यूल मिला था, लेकिन एडीसी तो पहली बार गठित हुई शायद कम्युनिस्ट पार्टी के गवर्नमेंट के दरमियान भी, और शायद उसका लाभ वो लेते चले गए। गवर्नमेंट भी स्टेट में लेफ्ट फ्रंट की थी और एडीसी में भी आप देखिए 100% उनके ही हैं, कोई भाजपा भी नहीं है, कोई दूसरे लोग भी नहीं, वहाँ उन्होंने डिलीवर क्या किया? आखिर जो मुख्यमंत्री आपके साइकिल से पूरा दिनचर्या अपना करते थे, जो हम लोगों ने सुना, जिनके बारे में कोई भ्रष्टाचार की भी कोई बातें नहीं थी, अभी तो बहुत कुछ हम लोग को सुनने में आता है वर्तमान परिस्थिति, लेकिन उनके बारे में और कुछ सुनने में नहीं आता, व्यक्तिगत कोई आलोचना उनकी हो ये हम लोग को दूर वहाँ सुनने में नहीं आता, फिर भी उस गवर्नमेंट को बदलने का लोगों में तीव्र मंशा था, इन्हीं गवर्नमेंट हमको चेंज कर, तो वही लोग जो इसमें एडीसी में थे उन्हीं की गवर्नमेंट को 2018 में त्रिपुरा के मतदाताओं ने जबरदस्त किया, नई गवर्नमेंट सामने आ गई है, वो रिड्यूस नंबर से विधायक 7 में से 17 है, 16 विधायकों के साथ वो रह गए हैं जहाँ उनका डोमिनेंस, तो ये जो परिवर्तन है इसी बात को संकेत देता है कि इतना साल मौका देने के बाद भी आपने डिलीवर नहीं किया होगा, लोगों ने जो विश्वास आप पे किया उस पर आप खड़े नहीं उतरे होंगे, इसलिए लोगों ने चेंज किया, वही बात इस काउंसिल के इलेक्शन में नहीं। त्रिपुरा में बहुत सालों से कांग्रेस जो है वो फेलियर होता गया है, जैसे आपने पिछले बोला कि जीरो से शुरू करना है, कहाँ पे खामियां हैं और क्या आप आज आपके ये जो दौरा है त्रिपुरा में पार्टी को रिवाइव करने के लिए आपके साथ इलेक्शन भी सामने हैं, क्या बोलते हैं आप? रिवाइव पार्टी है जिसको और सीखना है सबको साथ मिल के, एक आदमी से कभी कुछ नहीं होता। खामियाँ क्या है? कमियां साथ आने की और जरूरत है, डिफरेंसेस आए हैं तो उनको आयरन आउट करना है। कांग्रेस के लोग पार्टी को छोड़ के गए, क्यों पार्टी को छोड़ के गए इन बातों को भी ध्यान में रखना है, और सबको ब्रीदिंग स्पेस ऐसा लगे कि हाँ नहीं हमारे लिए ब्रीदिंग स्पेस है, ये तो लॉन्ग टर्म पॉलिसी है, शॉर्ट टर्म में इस विश्वास के साथ कि सबको सुनने के लिए हाईकमांड इच्छुक रहेगा, इच्छुक है, और हम एक प्लेटफॉर्म पे आके त्रिपुरा के लिए सोचे, कई बार हमारी अपनी बातें आगे आ जाती हैं, मेरे को ये नहीं मिला तो मैं रिएक्ट कर गया, मेरे को ये जिम्मेदारी नहीं मिली तो मैंने उल्टा काम कर दिया, मेरे को इतने सीट नहीं मिले तो मैंने चुनाव में काम नहीं किया, तो उस समय तक के लिए ठीक है, लेकिन इतने नुकसान त्रिपुरा को हो और त्रिपुरा के लोगों को, तो मजबूर भी आदमी होता है सोचने के लिए और सोचना भी चाहिए, और यही समय है कि हर कांग्रेस के लीडर को, हर कांग्रेस के वर्कर को इस बात को ध्यान में रख के ये त्रिपुरा के लिए, उस क्षेत्र के लिए हमको काम करना है, जहाँ आज हम सुनते हैं महिलाएं सुरक्षित नहीं है, जहाँ रोजगार के लिए कुछ नहीं हो रहा, जहाँ 10,000 रुपये में राशन कार्ड बन रहे हैं, आप बाकी चीज़ों के पैमानों को देखिए, अनएम्प्लॉयमेंट की बात, किन किन बातों को कहा गया, 99 बिंदुओं का विजन डॉक्यूमेंट था जब बनाई थी, कितना इंप्लीमेंट था, लोग जब इस चीज को देखते हैं तो विकास कांग्रेस थी पीछे, 2% वोट शेयर जिस बीजेपी का था, आज कांग्रेस का वोट शेयर विधानसभा में 2% है, लेकिन लोकसभा 20+ कैसे, 35+ कैसे, प्रतिशत
प्रदेश की आबादी 60% से ज्यादा इस भाग में है, यहाँ की 90% से ज्यादा ट्राइबल मेरे ख्याल से आबादी होगी, 12 लाख आसपास मेरे ख्याल पॉपुलेशन है, 10 लाख प्लस ट्राइबल पॉपुलेशन, सब लोगों के लिए लड़ना है। खिलाफ लड़ना तो एक नेगेटिव इंटेंट होता है, किसी के खिलाफ लड़ के हम क्या करें, शुरू से ही नहीं करना चाहिए।
दिए जाते हैं, बजट में बजट कहाँ से, पब्लिक से टैक्स लेके कितना पैसा दे सकते हैं? आज डीजल पेट्रोल का दे, गैस का दाम देखें क्या हो रहा है, तब भी नौकरी मिले तो सब नौकरी देगी सरकारी, लेकिन जॉब चाहे एग्रीकल्चर में हो, बैंबू यहाँ पर बिल्कुल आप बैंबू नाम साथ ले जाते, बहुत ऐसे विकल्प हैं जिसको प्रमोट करके सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना, बहुत से ऐसे गैस जो कांग्रेस की टिकट पर एक्टिव हैं, बहुत से ऐसे भी लीडर हैं उसकी पार्टी में चले गए, उन लोगों से गवर्नमेंट वापस लाने के लिए कई तैयारी है आप लोगों का? बातचीत ही रहती है, सबसे बातचीत होती रहती है और बेस्ट प्ले के लेवल को समझने के लिए कभी क्लियर थोड़ा और हम रहता है बैठना पड़ता है, तो फिर हमेशा के लिए आउट नहीं रहता, फिर थोड़ा प्रैक्टिस करिए ट्रायल करिए फिर आपको परफॉर्म करके बताइए फिर आप त्रिपुरा में नई सरकार जो है वो उनका 3 साल अपडेट हुआ है, त्रिपुरा में आए अपनी के प्रदेश कम के तो सरकार के बारे में आपको मैंने तो सुना हुआ आपको पता है, मैंने राशन कार्ड के लिए 10,000 रुपए की बात हिंदुस्तान में कहीं नहीं सुनी, एक बाहर से आदमी आ रहा है मेहमान के रूप में, मैं आ रहा हूँ अपने नाम बोल रहा हूँ मेहमान के रूप में, मैं नहीं सुनूंगा कि किसी प्रांत में 10,000 रुपए दीजिए तब राशन कार्ड बनेगा, तो मुझे तो बहुत दुख होगा, पार्टी अपनी जगह ऐसे ही बहुत दुख होगा, एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज क्या दिख रही है यहाँ, जिन लोगों को कोर्ट या और भी डिसीजन हुए थे उस माध्यम से भी जो कहा गया था उसमें से कुछ नहीं किया जा रहा, महिलाएं हमारी सेफ नहीं है ऐसा मेरे को बताया जा रहा है, अभी कुछ ही घंटे मेरे को हुए हैं लेकिन ये है ऐसा कि नहीं है आप मेरे को बताएं, क्या कम्युनल टेंशन जो मैं नहीं समझता कि त्रिपुरा में कभी बात ऐसी रही होगी, आज उनको भड़काया जा रहा है, आज उसको बढ़ा के जो हमारा समाज का एकजुटता रहता है उसको प्रभाव रहता है, ये त्रिपुरा के बारे में हम लोगों ने पहले कभी नहीं सुना, ये बातें सुनने में जब आती है तो सीपीआईएम के साथ वेस्ट बंगाल में बीजेपी का कांग्रेस का त्रिपुरा में भी ऐसा होता है क्या बात है कुछ मतलब अलग अलग जगह अलग अलग बैठक होते हैं साहब, कोई खुद ही कह रहे थे कि कहीं होता in the opposite, when Congress was in the opposite and you only say that BJP only had 1.5% vote. In that case, that badly hampered the local leaders and the local leaders of Congress also. When you have a tie with the left was in power, that is the reason people did not have the confidence. It is impossible. It is impossible because as I sense it, the great urge for change was there in Tripura, in spite of Mr. Sarkar going to work on cycle. He had a very clean image, that is what we heard. I am presuming we did not hear wrong. Cycle is a media created, he never went in cycle. Okay. He never went in cycle, or then, even walking. Those are the things which catch up eventually after 25 years. Yeah. So, at that point in time, again I am not very aware of how things actually happened here. If people wanted to remove the communist party, and BJP or somebody came and said, they are partners everywhere. You bring the communists, they are the same. Then maybe people reacted, otherwise it is impossible. No way. I think in history, has it happened that a party getting 2% vote share got 40, and a party getting 40% vote share got 2%? One election, the whole dynamic changes. The only one reason I can understand, and that is people wanted the left-hand government out.
It was not BJP. How really you, not Congress. And how you missed that train? Probably we were not able to convey that we are not their brothers in arm. We want to form our government by itself. There are dynamics of again national politics where sometimes you are with RJD, sometimes with Sabha, sometimes with Basapa, sometimes fighting against each other. So in that particular unit you have to convey to the people that is there maybe national when we are short 5 members of parliament. Then we have to reach out to some like-minded parties. That is not the case necessarily in Tripura, like it is not in Chhattisgarh, like it is not there in Kerala. So we could not convince the people that in Kerala, Left Front and UDF are permanent opposition of each other. So where is the alliance? We fight the strongest possible fight with the left in Kerala. Election after election, whether it is Lok Sabha, whether it is Vidhan Sabha, so that maybe we did not convey, if I can sense the purpose of your question. We were not able to convey. People thought we want to move left. In West Bengal, it is necessary to go an alliance with left. What is the reason? I wanted to know from you. Not necessary. There is never a necessity. But when you see a particular situation, then you, as per the situation in that state, you take a stand. If the Congress is to fight in West Bengal, what are the dynamics? The BJP is desperately trying to make it roll. It is being as prominent as it can. It is coming out with all sorts of policies, all sorts of coercion, ED and this and that and I don't know what not. They are not giving any student. So in those situations, what is the first thing? First, we should get. Second, such people should not. TMC is a third left, first factor, TMC third, the second factor, BJP. Third factor, three factors, Congress is fourth. Can the Congress fight with the BJP? Its option is easy, or we can say, or fight with the left front. Congress is the option. So at this point in time, it has been chosen. And you want to keep the BJP away from getting into power? It should be out of the country. Out of the power in this country. Not only in this country. And I hope that it comes soon. Otherwise, heaven help. So you spoke about the chair that increased the next by-election. It was during the previous PCC president that the increase was seen in Congress party. Now he has formed his new political party and he has forced an alliance with the ruling party. Will you hold talks with the former PCC president to bring it back to the party or at least go in an alliance with the party? Talks with independent people are always on. Now it is the almost last day when nomination will start the election tomorrow. I think 4-5 days. So while this time is there, this possibility of seeing who are the like-minded people who can come to. So far, any contact has been done from either party? I said hello to them. That is only a hello. Do you have any idea how? That is IPMP and. Yeah, yeah. Two parties are mainly demand. They are fighting this election with this card. They also know that it is not possible, it will not happen. And indigenous people also who are in NDCA, they also know it better that it is not going to happen. That's why they are not going to do any. It is a good result.
Nani Baba is you can influence. Now after cases where a state has informed dividing. It's not new in India. This election, you hope Congress will be able to pass parliamentary. Always go ahead with, and again, the side in the